हेलो फ्रेंड्स, युजोत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की सब्जी, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट बनती है और रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। तो यहाँ मैंने एक लौकी लिए, इसे कस लिया है अच्छे से। ये देखिए, इसे कस लिया है मैंने। यहाँ पे आधा चम्मच डालेंगे जीरा, और जीरा डालने के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही में 1 चम्मच नमक। तो मैंने नमक यहाँ लिया है, काला वाला नमक। और साथ ही में हम लेंगे आधा चुटकी जितनी हींग, और इसी के साथ में इसमें मिलाएंगे बेसन। तो बेसन यहाँ मैंने 5 चम्मच लिए हैं, क्योंकि लौकी थोड़ा पानी भी छोड़ती है, तो बेसन ज़्यादा ही लेना है हमें। और इसी के साथ में इसमें डालेंगे 1 चुटकी जितना गरम मसाला, और प्याज कट करके डाल देंगे इसके अंदर। और यहाँ तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़ी बना लेंगे लौकी के कोफ्ते की। तो यहाँ बनाएंगे लौकी के कोफ्ते, तो एक एक करके इन्हें तेल में छोड़ देंगे और फ्राई कर लेंगे। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, ये देखिए। इन्हें हमें सुनहरा होने तक अच्छे से पकाना है, और इनका कलर सुनहरा होने पर इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से सुनहरे हो चुके हैं, ये पक चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। और हमारी पकौड़ियाँ बन करके अच्छे से तैयार है। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी की मैंने रेसिपी डाल के रखी है, आप देख लीजिएगा, मैं मेंशन कर दूंगी। तो ग्रेवी की रेसिपी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ बना ली है मैंने ग्रेवी, तो ग्रेवी बन करके तैयार है। इसमें हम डाल देंगे लौकी के कोफ्ते। तो लौकी के कोफ्ते जो होते हैं वो ग्रेवी को अच्छे से सोख लेते हैं, पूरा पानी इनका जो भी जितना भी होता है पी लेते हैं। तो हम इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए, ये गाढ़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि सारा पानी सोख लेते हैं कोफ्ते। तो इसमें हम डालेंगे 1 गिलास जितना गर्म पानी। पानी हमें गर्म ही डालना है, ताकि इसका टेस्ट बना रहे। ठंडा पानी डालेंगे तो टेस्ट बना नहीं रहता है, तो गर्म पानी डालेंगे। इसे 10 मिनट धीमी आँच पर पकाएंगे, और लौकी के कोफ्ते की सब्जी बन करके तैयार है। इस पर हम डालेंगे हरा धनिया, जिससे काफ़ी स्वादिष्ट लगती है सब्जी, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे गर्मा गर्म परांठों के साथ सर्व करेंगे। खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।